अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन के 13 एपिसोड के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया है कि हया घर की चाबियाँ देखती हैं और कहती हैं, कब ये चाबियाँ मेरा नसीब बनेगी और कब मीरब से जान छूटेगी। तभी वहाँ माँ बेगम आती हैं। घबरा कर हया कहती हैं, माँ बेगम देखिए इतनी कीमती चाबियाँ किसने यहाँ रख दी। तब माँ बेगम कहती हैं, मैंने रखी थी, मेरी मरहुमा सास ने ये चाबियाँ दी थी। ये सिर्फ चाबियाँ नहीं हैं, एक रिवायत है, एक जिम्मेदारी है और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। लेकिन देखो तो वक्त कैसे बदल जाता है, अब ये चाबियाँ मेरी भी नहीं हैं। फिर हया पूछती हैं, फिर किसकी हैं। फिर वहाँ मीरब आती हैं। माँ बेगम कहती हैं, आओ मीरब, मेरे मुर्तसिम की दुल्हन, मेरे ख़ानदान के चिराग की रोशनी, आ जाओ। ये चाबियाँ देख रही हो, ये इस ख़ानदान की चाबियाँ हैं। हमारे घर के तमाम माल और दौलत, रुपया, हीरे जवाहरात, सब कुछ होते हैं। तुम समझ रही हो ना, ये कितनी कीमती हैं। जब मेरी सास ने मुझे ये चाबियाँ दी थी, तब मैं इतनी समझदार नहीं थी। फिर धीरे धीरे सब कुछ संभाल लिया, तुम भी संभाल लोगी ना। मीरब कहती हैं, जी संभाल लूँगी, वादा है। फिर माँ बेगम उसे चाबियाँ देती हैं। ये देखकर हया को बहुत रोना आता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी। फिर मीरब मुत्तसिम के पास जाकर कहती हैं, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे। मुत्तसिम कहता है, तुम्हारी ही वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। मीरब कहती हैं, मुझे नहीं चाहिए। मुत्तसिम कहता है, तुम ही ने तो कहा था, शादी के बाद तुम्हें क्या मिला। अब देखो सब लोग तुम्हारा नाम इज्जत से लेंगे, इस घर में तुम्हारी बात मानी जाएगी, जो तुम कहोगी वही होगा, और क्या चाहिए। फिर मुत्तसिम शिकार पर चला जाता है। फिर हया मीरब के रूम में आती हैं और कहती हैं, तुम्हारा इस चाबियों पर कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम मुत्तसिम को शौहर होने का हक नहीं देती। मीरब कहती हैं, ये हमारा पर्सनल मैटर। फिर हया कहती हैं, ये सब मेरा है, ये जगह, ये चाबियाँ, ये कमरा, इन सब पर मेरा हक था, अगर तुम ना आती मुत्तसिम की ज़िंदगी में। मीरब कहती हैं, अब तो आ गई हूँ ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर हया कहती हैं, एक दिन ये सब मेरा होगा, याद रखना। मीरब कहती हैं, फिर ठीक है मिस हया, मेहनत करो, जब तुम इस काबिल हो जाओगी मैं तुम्हें दूंगी। मेरे नज़दीक तो तुम अब मुकम्मल औरत भी नहीं हो। फिर हया वहाँ से चली जाती है। फिर मुलाजमा आती है, मीरब से कहती है, आपको माँ बेगम बुला रही है। मीरब जाती है और कहती है, आपने बुलाया था। माँ बेगम कहती है, हाँ आओ। फिर गांव वालों से कहती है, ये खान मुत्तसिम खान की दुल्हन है, आज से इस घर के और इन तमाम मामलात की मालकिन यही है, सलाम करो इन्हें। गांव वाले सलाम करते हैं। फिर मीरब को आप कुर्सी पर बिठा देती हैं और शादी के शगुन देने लगाती हैं। मरियम और हया दोनों हैरानी से देखती हैं। फिर माँ बेगम दोनों को भी कहती हैं, मुबारकबाद दो इसे। मरियम आकर मुबारकबाद देती हैं, हया नहीं आती। माँ बेगम कहती हैं, तुमने नहीं सुना। हया कहती हैं, माँ बेगम मेरे लिए आप बड़ी हैं, मैं इसको ये मुकाम नहीं देती। माँ बेगम कहती हैं, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर हया भी मिलती है। माँ बेगम मीरब से कहती हैं, सब अच्छी तरह जिम्मेदारी संभाल लो, मैं समझाती हूँ, बैठो। फिर मुलाजमा मीरब से कहती हैं, आज खाने में क्या आज से आप ही बताएंगी। मीरब पूछती हैं, मुत्तसिम को क्या पसंद है। मुलाजमा कहती है, बिरयानी पसंद है। फिर मीरब कहती हैं, मुत्तसिम को क्या नहीं पसंद है। मुलाजमा कहती हैं, मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मछली बहुत पसंद है। ऐसा करो मछली फ्राई बना लो, मछली पुलाव बना लो,
मच्छी कोफ्ते बना लो। ये सुनकर मुलाजमा हैरान हो जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। ना चाहते हुए भी वो मीरब के कहने पर वही बना। दूसरी तरफ हया मीरब को कुर्सी पर बैठ देखकर बहुत रोती है। फिर वकास और अनिला भाभी बेगम से कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मीरब को उसका मुकाम दिया, ये करके आपने एहसान किया है। भाभी बेगम कहती है, एहसान की क्या बात है, वो इस घर की बहू है, बस अल्लाह करे वो इस रिश्ते को निभाएं। तुम लोग अभी क्यों जा रहे हो, कुछ दिन और रुक जाते। वकास कहता है, बस अब जाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, बस मीरब आ जाए उससे मिल ले। फिर वहाँ मुलाजमा आती है, कहती है, मीरब बीबी नहीं आएंगी, खुदा आफिस कहा है। फिर अनवर कहता है, मैं बुलाता हूँ, लेकिन वकास रोक देता है, मसरूफ़ होगी शाहिद कहता है। फिर वकास और अनीला चले जाते हैं। फिर मीरब को पुराने दिनों का याद कर रही होती है। वहाँ मुर्तसिम आता है, कहता है, सुना है आज खाना आपने बनाया है। मीरब कहती है, आपकी शान में बनाया है, आप खाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुर्तसिम कहता है, अगर मैंने ना खाया हो तो। मीरब कहती है, मुझे बहुत बुरा और रोना भी आ सकता है। फिर टेबल पर सब फ़िश के डिशेस देखकर माँ बेगम कहती है, मुर्तसिम मछली नहीं खाता, उसको एलर्जी होती है, बीमार हो जाता है। मुर्तसिम मीरब के लिए मजबूरन मछली खा लेता है और मीरब बहुत मज़ा लेता। फिर मीरब कहती है, इसे कुछ नहीं हुआ, मछली खा के तबीयत ख़राब हो जाती है, सब बातें हैं। उतने में मुर्तसिम की तबीयत ख़राब हो जाती, उसे वॉमिटिंग्स होती है और वो बेहोश हो जाता है। मीरब परेशान होकर अनवर के पास जाती है, मुर्तसिम को बचा ले प्लीज़ कहती है। अनवर आकर मुर्तसिम को दवा देता है। मीरब कहती है, आई एम सॉरी मुर्तसिम, आंखें खोल। फिर अनवर मीरब से कहता है, अपने अंदर नफ़रत का बीज इतना गहरा मत बो बेटा, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाएगी कोई उन्हें काट ना सके, और कल को उसके साए से भी महरूम हो जाओ, ठीक हो जाएगा वो, कहकर चला जाता है। फिर मीरब आई एम सॉरी मुर्तसिम कहती है। दूसरे दिन सुबह अनवर और भाभी बेगम के पास मुलाजमा आती है। माँ बेगम पूछती है, मुर्तसिम कहाँ है, वो सो रहे हैं कहती है। माँ बेगम कहते हैं, वो इतनी देर नहीं सोता। फिर अनवर कहता है, एक दिन ज़्यादा सोने में हर्ज क्या है, कहकर संभाल लेता है। फिर वहाँ रूम के पास हया आती है, मुलाजमा चादर लेकर जाती है। हया पूछती है, क्या है। मुलाजमा कहती है, कल रात खान की तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ हो गई, वही साफ कर रही थी। हया कहती है, मुर्तसिम ने उल्टियाँ की क्यों, वो कल रात को मछली खाई थी ना, शायद इसीलिए। हया कहती है, ये सब मीरब का किया है, देखती हूँ कैसे रहती है। फिर ड्रामा ख़त्म हो जाता है, आगे के एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। जब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।